व्हाट इज़ अप गाइस, वेलकम बैक टू AA मॉडिफिकेशंस। सो आज मैं अपने बजाज चेतक को 3 मंथ्स के बाद फाइनली स्टार्ट करूँगा एंड वॉश करूँगा। तो सबसे पहले तो इसको मैं अपने घर के बाहर निकालता हूँ, फिर हम इसको वॉश करेंगे एंड देन फाइनली इसको स्टार्ट करके देखते हैं। सो लेट्स डू इट। तो इतनी सारी डस्ट को रिमूव करने के लिए मैंने एक बॉटल में डीजल ले लिया है थोड़ा सा, और इसको मैं अच्छे तरीके से स्प्रे कर दूंगा जहाँ जहाँ पर हमारी डस्ट लगी हुई है। दूसरी साइड पे भी अभी करूँगा ताकि जो हमारी डस्ट है जब हम इसके ऊपर वाटर डालें तो ये आराम से निकल आए। व्हील्स के बाद अब अपने स्कूटर की हम सारी बॉडी पर डीजल स्प्रे करते हैं। एज़ यू कैन सी गाइज, मैंने डीजल को स्कूटर की सारी बॉडी पर अच्छे तरीके से स्प्रे कर दिया है, और अब हमने इस डीजल को थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रहने देना है, अबाउट 5 to 10 मिनट्स। तो उससे जो हमारी डस्ट है वो सारी अच्छे तरीके से डीजल कलेक्ट कर लेगा, और जब हम इसके ऊपर वाटर डालेंगे तो हमारी जो डस्ट है वो ईजिली बाहर आ जाएगी। तो लेट्स वेट फॉर 5 to 10 मिनट। तो स्कूटर है उनको पता होगा कि हमारी स्कूटर की पिछली साइड करने के लिए बहुत मुश्किल होती है, तो इसलिए मैंने अपने स्कूटर को टेढ़ा कर लिया है और जो इसका फ्रंट मैट होता है उसके ऊपर इसको अच्छे तरीके से रख दिया है, और इसके लिए भी प्रोसेस सेम रहेगा। तो मैं इसको भी जल्दी से कर लेता हूँ, फिर हम इसकी बॉडी वॉश करेंगे।
मेरे पास इसका स्पेशल बॉडी शैम्पू ख़त्म हो गया है, तो जो शैम्पू मेरे घर पर अवेलेबल है मैं उससे ही इसको वॉश कर रहा हूँ। सारा शैम्पू इसकी बॉडी पे लगाने के बाद हम इसको वाटर के हेल्प से रिमूव कर देंगे ताकि हमारी जो डस्ट रहती है वो सारी निकल जाए। तो आइए अब हम देखते हैं गाइस कि ये स्टार्ट होता भी है या नहीं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू AA मॉडिफिकेशंस।